Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो के लिए मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया है. आई जस्ट फील दैट दीज डेज अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग क्यूरियस अबाउट दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल एक्सफोलिएशन. दे वॉन्ट टू नो वट दिस इज, हाउ डू दे वर्क, आर दे एनी बेटर देन द ट्रेडिशनल फिजिकल मैनुअल स्क्रब्स दैट वी यूज, दैट वी हैव बीन यूजिंग फॉर ईयर्स. ऑल्सो आई फील के आप लोगों को ये पता होना बहुत जरूरी है कि अगर आप केमिकल एक्सफोलिएटर्स अपने स्किन केयर में इंट्रोड्यूस करना भी चाहते हैं तो वट विल बी द राइट टाइम टू स्टार्ट डूइंग दैट, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए करने की, क्या सही तरीका होना चाहिए करने का, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी क्या स्किन टाइप है या कंसर्न है या स्किन इशूज हैं, इन विच केस वट टाइप ऑफ एक्सफोलिएशन मेथड शुड यू यूज. लाइक कई लोगों के लिए हो सकता है कि फिजिकल एक्सफोलिएशन ज्यादा बेटर काम करे, कई लोगों की स्किन पे केमिकल एक्सफोलिएशन ज्यादा बेटर काम कर सकता है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है. इसीलिए आई डिसाइडेड टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस टॉपिक टूडे, एंड साथ ही में आई एम ऑल्सो गोइंग टू रिव्यू and give you guys a practical demo of how to use this Dot N Key Hydrofeel Glow Potion which is 10% AHA and 2% BHA. Now particularly ये जरूरी नहीं कि आप यही product use करें, आप कोई भी दूसरा peel lotion use कर सकते हैं. Market में बहुत सारे अच्छे options हैं इस time पे. Dr. Sheth's का peel lotion अच्छा है, Pixi का अच्छा है, and Sugandha का भी मैंने try किया था एक बार, वो भी अच्छा था. I think 4-5 different options हैं जिनको मैं description box में mention कर दूंगी, just in case you find this one to be expensive you can try any of those. This one particularly I'm just using because a lot of you asked me particularly about this product, and secondly I have more experience with this, I feel, because isko main 3-4 bar pehle use kar chuki hu, and today for the fourth or fifth time I'm going to be using it aap logon ke samne, and that's primarily the reason I have no makeup today. So is samay pe maine kuch laga nahi rakha hai, lekin maine mera face abhi tak wash bhi nahi kiya hai. Pehle hum is topic ke bare mein thodi si baat kar lete hain, uske baad main apna face wash karke aungi aur yahin pe live aapko करके दिखाऊंगी कि केमिकल एक्सफोलिएशन कैसे किया जाता है. सो इफ यू फील दैट दिस एरिया इज समथिंग यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. All right, so to begin with, let's get the basics out of the way. As the name suggests itself, physical exfoliators वो होते हैं जिनमें micro particles होते हैं, कुछ beads होते हैं, कुछ granules होते हैं, जिनको आप अपने skin के upper layer पे manually scrub करके अपने चेहरे की गंदगी को बाहर निकालते हैं. Chemical exfoliators वो होते हैं जिनको आपको manually scrub नहीं करना पड़ता, ये gel like या serum form में आते हैं, आपको इनको चेहरे पे लगा के थोड़ी देर छोड़ना होता है और फिर normal water से wash कर देना होता है. ये अपने आप ही skin में penetrate कर जाते हैं और आपकी skin के डीपेस्ट लेयर से उनकी जो भी गंदगी है, बैक्टीरिया है, डेड स्किन सेल है, उसको बाहर निकाल देते हैं. एंड दे बेसिकली यूज सम सर्टेन काइंड्स ऑफ एसिड्स, लाइक जैसे डोंट गेट स्केयर्ड बाय द वर्ड्स एसिड. एसिड जस्ट मीनिंग नेचुरल एसिड्स भी हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल Dot N Key के केस में इन्होंने बोटानिकल एक्सट्रैक्ट यूज किए हैं कम्प्लीटली, तो ये नेचुरल फ्रूट बेस्ड एसिड्स यूज करते हैं, विच इज अ गुड थिंग. एंड समटाइम्स वी नीड एसिड्स लाइक AHAs एंड BHAs एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, जस्ट टू बी श्योर कि आपकी जो गंदगी है वो कभी कभी स्किन के सिर्फ ऊपर के लेयर पे नहीं होती, काफी अंदर तक होती है. तो हमें कोई ऐसी पावरफुल चीज चाहिए होती है जो उतनी अंदर तक जा सके, और ये एसिड्स ही हेल्प करते हैं उतनी अंदर तक जाने में, जिससे कि वो आपकी स्किन की ऊपर की लेयर को नीचे की लेयर से सेपरेट करते हैं, जिससे कि वो जो बिल्कुल अंदर जमी हुई चीजें हैं वो बाहर आ सके. सो दैट्स द ओनली मीनिंग ऑफ दिस वर्ड केमिकल एक्सफोलिएशन. बट यू डोंट हैव टू वरी थिंकिंग के ये जो वर्ड्स हैं एसिड एंड केमिकल एक्सफोलिएशन बहुत भारी साउंड कर रहा है, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. दूसरी चीज, अगर मैं फिजिकल एक्सफोलिएटर्स की बात करूं, विच इज द स्क्रब्स एंड ऑल विच वी हैव बीन यूजिंग फॉर एजेस, ऐसा नहीं है कि वो वर्क नहीं करते, बट वो चेहरे पे काफी ज्यादा आपको उनको विग्रेसली यूज करना पड़ता है, उनके जो ग्रैनुल्स होते हैं थोड़े से हार्श हो सकते हैं आपकी स्किन पे, तो जिन लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है वो बार बार उसको यूज नहीं कर सकते, नहीं तो उनके चेहरे पे रैशेज वगैरह आ जाते हैं और बहुत ज्यादा छिला हुआ चेहरा उनको फील होता है. लेकिन जब हम केमिकल एक्सफोलिएशन यूज करते हैं तो वो मेथड थोड़ा सा जेंटल होता है, उतना हार्श नहीं होता आपकी स्किन पे. तीसरी चीज यहाँ पे ये है कि स्क्रब्स जो होते हैं, मैनुअल स्क्रब्स जो होते हैं, क्योंकि वो आपकी स्किन की सिर्फ अपर लेयर पे काम करते हैं, अंदर तक नहीं जाते, इसलिए उनका असर लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल आप कभी भी फील करेंगे, अगर अभी आपने आज स्क्रब किया है तो 2 दिन के लिए तो आपको अपना चेहरा बिल्कुल स्मूथ लगेगा, कोई टेक्सचर नहीं, कुछ नहीं, आप बार बार चेहरे को छूते रहेंगे, लेकिन तीसरे चौथे दिन पे आपको वापस से एक नीड फील होती है टू स्क्रब इट अगेन. यू अगेन स्टार्ट फीलिंग के वापस से गंदगी जमने लग गई है. दैट्स बिकॉज इट जस्ट वर्क्स ऑन द अपर लेयर, जिसकी वजह से इसका असर ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता, एज कंपेयर टू केमिकल एक्सफोलिएशन जो कि काफी अंदर तक जाके होता है और उसकी वजह से इसका असर आपको लंबे टाइम के लिए दिखता है.
Now, honestly, chemical exfoliants also have been in the market for quite a long period, but आजकल इनके बारे में ज़्यादा बात इसलिए हो रही है, like people are shifting towards chemical exfoliation more is because आपने देखा है कि कई लोगों को जैसे acne और pimples होते हैं, जो अपनी skin dead skin cell निकालना चाहते हैं, लेकिन वो frequently scrub नहीं कर सकते because of the acne and pimple issues. तो उन लोगों के लिए chemical exfoliation अच्छा है because उनको skin rub नहीं करनी पड़ेगी और skin अपने आप exfoliate भी हो जाएगी. Second is the case of those people who are already battling the issues of aging. For example, अगर आपको already fine lines हैं, wrinkles हैं, आप 40-50 plus हैं, in that case you don't want to scrub your skin too much because that will lead to further sagging of your skin. Even in that case, people are preferring chemical exfoliation. उसके अलावा जिन लोगों की बहुत ज़्यादा sensitive skin है, या ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बहुत open pores की, large pores की problem है, जितना ज़्यादा scrub करते हैं, pores और ज़्यादा खुलने लगते हैं, अगली बार और ज़्यादा dirt उसमें accumulate हो जाता है. So इसलिए इन सभी skin issues वाले लोग now slowly and steadily they are shifting towards using chemical exfoliators more because usse unki skin saaf bhi ho rahi hai aur skin unko upar se ragadne bhi nahi pad rahi hai. Now let's talk about Dot-N ki Hydro Peel Glow Potion which is 10% AHA and 2% BHA exfoliating serum. Particularly if I talk about this product, let me tell you how it is used. Basically it has got AHA and BHA both. AHA is alpha hydroxy acid and BHA is beta hydroxy acid. Please let me know in the comment section below if you would want me to go too much into depth about this whole science and process of AHAs, BHAs and several other actives also. If you would want me to cover, I'll definitely very happily make a video on the same subject, but for this particular video I'm not going to get into too much detail because otherwise the video will get too boring for you guys, which I don't want, and I don't want to digress from the topic as well. So basically agar shortcut mein mujhe batana ho, AHAs bahut effective hote hain lekin BHAs aur bhi zyada powerful aur intense hote hain. It's a serious ingredient, isliye kafi sare products mein aap देखोगे AHA का परसेंटेज हमेशा थोड़ा ज्यादा होता है और BHA का थोड़ा सा कम होता है. तो कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में ऐसे हैं जिनमें सिर्फ AHA होता है या सिर्फ BHA होता है, एंड देन देयर आर सेवरल प्रोडक्ट्स जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होता है. फॉर एग्जांपल दिस वन इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बिकॉज इट हैज गॉट AHA ऑल्सो एंड BHA ऑल्सो, एंड दैट टू इन द राइट प्रोपोर्शन. सो फॉर अ बिगिनर दिस इज अ राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट टू बिगिन विद. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द वेरी क्यूट एंड अडोरेबल पैकेजिंग दैट दिस वन हैज गॉट. नाउ पहले मुझे लगता था कि ये यहाँ से ओपन होता है ट्रेडिशनली जैसे सारे डब्बे आते हैं, बट लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि इनके जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इस तरह के केसेस में आते हैं, सबके यहाँ पे एक मैग्नेटिक सी स्ट्रिप दी होती है अंदर से जो हमें दिखती नहीं है. तो एक टेप लगी थी यहाँ जो मैं ऑफकोर्स निकाल चुकी हूँ, और इस तरह से एक केस की तरह खुलता है, विच इज लाइक यू हैव टू अप्रिशिएट द पैकेजिंग हियर, एंड अंदर से आपको आपका प्रोडक्ट दिखता है. फिर हम इस बॉटल को निकाल लेंगे बाहर, एंड वंस दिस इज आउट आपको ये पर्पल कलर का एक सोल्यूशन सा दिखेगा. इसमें लाइट पिंकिश पर्पल कलर का बहुत ही क्यूट सा सोल्यूशन है इसके अंदर, एंड दिस वन स्मेल्स काइंड ऑफ फ्रूट लाइक एंड लिटिल सिट्रसी बट नॉट अनोइंग एट ऑल. एक इस तरीके की गुड क्वालिटी प्लास्टिक बॉटल में आता है, ऐसा ड्रॉपर होता है इसके साथ, एंड आप इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा जेल लाइक है. इट्स नॉट एज लाइट एंड रनी एज वाटर, बट इट इज़ लाइक जेल लाइक, स्लाइटली जेल लाइक इट इज़. द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इट इज, पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए. मेकअप लगाया है तो ऑफकोर्स मेकअप हटाना है, लेकिन अगर मेकअप नहीं भी लगा रखा तो भी फेस को एक बार अच्छे से फेस वॉश करके आइए. उसके बाद आपने लगाना होता है आपका टोनर, और टोनर के कुछ सेकेंड्स के बाद आपको डायरेक्टली इसको लगाना होता है. 3 से 4 ड्रॉप्स लेनी है और इस तरीके से स्प्रेड कर देना है पूरे फेस पे, जस्ट लाइक अ जेल बेस्ड सीरम, एंड लीव इट ऑन लाइक अ मास्क फॉर 10 मिनट्स, एंड देन वॉश इट ऑफ विद कूल वाटर, एंड देन फॉलो इट अप विद अ मॉइस्चराइजर. और अगर दिन में ये प्रोसेस कर रहे हैं तो SPF इज अ मस्ट. So now first let me quickly go and wash my face, then I'm going to show you how to apply it and use it. So I'll be right back. So now I have washed my face, I have nothing on my face. Now I'm going to apply my toner. जब आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि कोई ऐसा फेस वॉश, इनफैक्ट टोनर फेस वॉश दोनों ऐसे यूज़ करें जिनमें विटामिन सी वगैरह इस तरह के इंग्रेडिएंट्स ना हो जो क्लैश करें AHAs और BHAs के साथ. कोई भी सिंपल वाले आप यूज़ करें फेस वॉश या टोनर. आफ्टर यू आर डन अप्लाइंग द टोनर, आई एम गोइंग टू गिव माई स्किन अ कपल ऑफ सेकेंड्स टू एब्जॉर्ब दिस, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द ग्लो पोशन. And now we are going to take some amount of this. Only 3 to 4 drops are enough. बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत कम भी नहीं लेना है. Just about this much. And we are going to spread it on our skin. Just like a very thin layer of aloe vera gel. ना रब करना है, ना ज़्यादा कुछ घिसना है.
सिर्फ लगा के छोड़ देना है। अपने अंडर आई एरिया के आसपास ना लगाएं, कोई ओपन वूंड्स हैं वहाँ ना लगाएं, कोई पिंपल जस्ट अभी फ्रेश यू नो खुला हुआ है वहाँ नहीं लगाएं। एंड इस तरह इसको लगा के इट हैज स्टार्टेड टू टिंगल अ लिटिल बिट बट इट्स बेरेबल, नथिंग दैट यू कैन नॉट टॉलरेट। एंड बस इस तरीके से लगा के इसको 10 मिनट छोड़ देना है और एग्जैक्ट 10 मिनट बाद इसको आपने वॉश ऑफ करना है। ऐसा नहीं कि 10 मिनट से ज़्यादा रखोगे तो कुछ ज़्यादा असर होगा, तो ऐसा ना करें, लालच में ना आए, 10 ही मिनट रखें और फिर इसको धो दें। फिलहाल जस्ट टू गिव यू गाइज सम आइडिया ऑफ वॉट यू कैन एक्सपेक्ट, जैसे आप इसको लगाएंगे थोड़ी सी टिंगलिंग सेंसेशन आपको फेस पे शुरू हो जाएगी, दैट्स बिकॉज द एसिड्स हैव स्टार्टेड टू वर्क एंड बट दैट इज कम्प्लीटली बेरेबल। 2-3 मिनट के लिए ज़्यादा प्रेडोमिनेंट लगती है, उसके बाद बिल्कुल सेटल हो जाती है। इट्स नॉट एज harsh as bleach, it's very very bearable। तो अभी face पे मेरे ऐसे ही हो रहा है, मुझे लग रहा है कुछ कुछ हो रहा है face पे। So अब मैं 10 मिनट बाद इसको wash off करूंगी और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। Now I have just washed my face and now I'm going to apply my cream. It's a regular night cream that I apply. इसमें कोई retinol या कोई vitamin C कुछ भी नहीं है, और वो भी मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, एंड जस्ट टू काम डाउन माई स्किन। And now I don't know how much of a difference can you guys see, but I can tell you for sure that now when I touch my skin like this, it feels much more unclogged and less textured. It does obviously कोई drastic results आपको पहली बार से दिखाई नहीं देने लग जाएंगे, लेकिन आप feel कर पाएंगे कि skin आपकी थोड़ी सी smooth हो जाएगी, soft हो जाएगी। अगर आपकी कोई acne है, pimples हैं, breakouts हैं, तो वो इसको ठीक नहीं करेगा, तो आप वो expectation से इसको नहीं खरीदिए, because after all it is an exfoliating serum जिसका purpose है सिर्फ skin को exfoliate करना, उसके ज़्यादा कोई और aiding functions नहीं है इसके। For example recently I broke out, तो ये दो pimples मुझे हुए थे जिनके निशान अभी भी है, तो ये पिंपल्स पे ये कुछ नहीं करता है, लेकिन अदरवाइज अगर मैं जो सिर्फ क्लियर एरिया है मेरे स्किन का वहां पे देखूं, तो वहां पे मुझे टेक्सचर कम लगता है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स नहीं दिखते हैं, मुझे लगता है स्किन काफी ज्यादा मेरी रेडिएंट फील कर रही है इस टाइम पे। यू गाइस कैन ऑल्सो सी प्रोबेबली। सो अपार्ट फ्रॉम दैट एक्ने पिंपल्स पॉइंट, बाकी सारी जितनी सारी चीजें हैं जो भी क्लेम्स है इस प्रोडक्ट के, वो डेफिनेटली उनको पूरा करता है। Essentially जो main ingredients हैं इस product में वो है AHA which is lactic and glycolic acid, apart from that it has BHA also which is salicylic acid, उसके अलावा इसमें green apple और grape fruit भी है जो कि बहुत rich होते हैं antioxidants में, और अगर आपकी skin बहुत dull हो गई है, tired feel कर रही है, तो उसका radiance enhance करने में बहुत help करते हैं। Apart from that it has got borage flower oil also which will basically help your skin to restore the moisture inside it which will ultimately make it look very very smoother from the outside. Now I'm going to read out the claims that are written on the back of this product. So very briefly, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि इसका जो pH balance formula है, which is made with naturally derived fruit acids and soothing botanicals, that is going to act as a chemical exfoliant to gently slough away any dead cells, and it is also going to reverse sun damage. It will also reduce the spots and blemishes, and reveals a fresher, smoother complexion with a renewed glow. Honestly, 90% of it is true, but just the blemishes and dark spots point I am not sure, and neither am I in the right position to talk about it because I have just used it thrice. हालांकि मुझे नहीं लगता कि exfoliating serums में इतनी भी power होती है कि वो आपके blemishes को reduce कर सकें, but अगर आपका experience different है तो मुझे बताना ज़रूर comments में। And I also do feel के maybe अगर मैं इस product को अगले 2-3 महीने तक लगातार use करती हूँ तो शायद मुझे कुछ फ़र्क दिखे, लेकिन अभी तक एक महीना करीब होने वाला है तो मैंने blemishes वगैरह में as such कोई फ़र्क तो नहीं देखा है, like मेरे यहाँ पर है या यहाँ पर कोई पुराने दाग है वो अभी तक वहीं पे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी बाकी सारी चीजें इस प्रोडक्ट के क्लेम्स हैं वो 90% ऑफ दैट इज ट्रू, सो यू आर नॉट गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड एट ऑल। Now before we actually wrap up this video, I need to give you guys some advice or word of caution if you will that I think are important for you to know before you actually introduce these things into your skincare routine. सबसे पहली चीज़, please make sure आप ये जो procedure है इसको कोशिश करें सुबह में नहीं perform करें, रात ही में करें, तो आपकी skin को फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। And when I say सुबह, I just don't mean सुबह, I mean दोपहर, I also mean शाम के 5 बजे से पहले। If at all you end up doing that also, please make sure you follow it up with a good broad spectrum
स्पेक्ट्रम वाला SPF विच इज़ यूजुअली 30+ से ऊपर होना चाहिए. तो अगर शाम को 4-5 बजे भी कर रहे हैं तो भी प्लीज़ आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, बिकॉज ये प्रोसेस क्या करती है, आपकी स्किन को ओवर सेंसिटिव बना देती है टू द नेचुरल लाइटिंग. सो वो आप अवॉइड करें. इनफैक्ट इसके पैकेजिंग पे तो यहाँ भी यहाँ तक लिखा हुआ है कि आप कोशिश करें कि एक हफ्ते तक अपनी स्किन को नेचुरल सनलाइट से दूर रखें, तो उस चीज़ का ख्याल रखें. दूसरी चीज़, इंस्ट्रक्शंस वाइज इस पर ऐसा लिखा हुआ है कि आप इसको हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, बट मैं एडवाइस करूंगी अगर आप पहले पहले बार नया नया इसको करना शुरू कर रहे हैं तो पहले आप इसको हफ्ते में 1 ही बार करें, उसके बाद 2-3 दिनों के लिए अपनी स्किन को नोटिस करें, क्योंकि कई बार कोई चीज़ों के इफेक्ट्स एकदम से सेम डे पे नहीं दिखते लेकिन 2 या 3 दिन बाद दिखते हैं. तो 2-3 दिनों के लिए अपनी स्किन का बिहेवियरल पैटर्न थोड़ा सा नोटिस करें कि स्किन कैसे रिएक्ट कर रही है आपकी. और अगर आपको सपोजिडली, लाइक होगा नहीं ऐसा, लेकिन सपोजिडली अगर आपको इक्के दुक्के दाने भी हो जाते हैं तो नथिंग टू वरी अबाउट, वो बिल्कुल माइल्ड स्टेज ऑफ पर्जिंग हो सकती है इन फ्यू केसेस, उसमें आपको डरना नहीं है. लेकिन अगर स्किन आपकी बहुत हैवीली ब्रेकआउट करने लगी है ऐसा कुछ, देन यू नो दैट यू हैव टू स्टॉप. सो सबसे पहले तो तरीका इज, जब आप इसको शुरू करें यूज करना तो पैस्टिस जरूर करें, विच इज यूजुअली यहाँ पे करना चाहिए. एंड उसके बाद 1 दिन का टाइम दें नोटिस करने के लिए कि स्किन कैसे रिएक्ट करती है. इफ इट सूट्स यू देन यू कैन डू इट ऑन योर फेस एंड देन गिव अ गैप ऑफ एटलीस्ट 1 वीक. इफ योर स्किन इज बिहेविंग नॉर्मली देन ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग इट, विच इज टू द मैक्सिमम टाइम्स यू कैन यूज इट इज 2 times a week. उससे ज्यादा आपको इसको यूज नहीं करना है. तीसरी चीज, जब भी आप इसको लगा रहे हैं मेक श्योर आप अपने आई एरिया से दूर और अपने ये लिप्स वाले एरिया से दूर इसको लगा रहे हैं. चौथी चीज, जिस भी दिन आप इसको यूज कर रहे हैं सेम डे पर आपको कोई दूसरे एक्टिव्स इसके साथ मिक्स नहीं करने हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपके फेस वॉश, मॉइस्चराइजर या सीरम या किसी चीज में विटामिन सी है, रेटिनॉल्स है, उस तरीके की चीजें आप सेम डे पे यूज नहीं करें. सो या विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइज. आई रियली होप दैट दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू गाइज. इफ आपके कोई क्वेश्चन रह गए हो इस बारे में आप मुझे करके बता सकते हैं. इस प्रोडक्ट का लिंक या इससे जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. एंड या आई एम गोइंग टू मीट यू गाइज वेरी सून माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. आई लव यू गाइज एंड स्टे ब्यूटिफुल.